नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक स्वस्थ मस्त होंगे। आज का टॉपिक है पाषाण काल। पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। भारतीय प्रयाग इतिहास का पिता कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल और लोह युग का त्रियुगी विभाजन किया गया था थॉमसन ने। पशुपालन के साक्ष सर्वप्रथम मिलते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले वह स्थान है आदमगढ़। चोपानी मांडो काकोरिया मेहदहा एवं सराय नाहर स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं मेहदहा और सराय नाहर राय से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं सराय नाहर राय और मेहदहा से। एक ही कब्र में से तीन मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। भारत में प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुए हैं नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। औदे बोरी बागौर और लखनिया में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं बागौर से। पुरापाषाण युग नवपाषाण युग ताम्रपाषाण युग और लोह युग में से चालकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। आमरी मेहरगढ़ कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पुरास्थल जहां से पुरापाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़। नाबदा टोली का उत्खनन करवाया था HD सांकलिया ने। नाबदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। बृहत्ता पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। राख का टीला बुदिहाल सगन कल्लू कोल्ली हवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाण स्थल से संबंधित है वह सगन कल्लू। भीमबेट का प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। भारत में सर्वप्रथम शैल चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। अजंता भीमबेटका बाग तथा अमरावती से वह स्थल जो ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफा स्थित है अब्दुलगंज रायसेन मध्य प्रदेश में। भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को ऐतिहासिक महत्व को समझा का नाम दिया है वे हैं BS बागकंकर। गौरिक मृत भांड पात्र OCP का नामांकन हुआ था हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। ब्रह्मगिरी बुर्जहोम चिराहन तथा मास्की में से वह स्थल जहां से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है वो है बुर्जहोम। बुर्जहोम कोल्डी हवा ब्रह्मगिरी एवं सगन कल्लू से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो है बुर्जहोम। चंद्र केतु गढ़ प्रसिद्ध है टेराकोटा कला के लिए। गणेश्वर प्रसिद्ध है ताम्र कलाकृतियों के लिए। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं वह है लेखिया। नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था वह अवधारणा दिए थे GR शर्मा ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति पर्यटन विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है वह संस्कृति मंत्रालय का। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिर्देशक थे जॉन मार्शल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। मिलते हैं साथियों अगले टॉपिक में।